और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले लगातार मोदी सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक कुल 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा यह है कि कल शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इससे पहले कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जल संसाधन राज्य मंत्री संजीव बालियान, स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और शिक्षा राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने इस्तीफा दे दिया है। 4 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। सवाल यह है कि कौन बनेगा मंत्री और कौन से मंत्री हैं जिनकी अब हो सकती है छुट्टी। मोदी कैबिनेट का विस्तार कल हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और उससे पहले 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। 4 तस्वीरें उन मंत्रियों के हम आपको दिखा रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान, फग्गन सिंह कुलस्ते और महेंद्र नाथ पांडे, जिन्हें यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाल यह बना हुआ है कि कौन बनेगा मंत्री, किसे मिलेगी कैबिनेट में एंट्री और किन किन मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। राजीव प्रताप रूडी ने कौशल विकास मंत्री से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर रूडी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रूडी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के कहने पर इस्तीफा दिया है, आगे पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। हमारे साथ केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं, उनसे बात करते हैं। रूडी जी, ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने इस्तीफा एक तो प्रधानमंत्री को नहीं सौंपा है, दूसरा प्रधानमंत्री ने मंजूर नहीं किया है, वो सब ठीक है। तो मंजूर होने के बाद आप मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए अभी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आपको महाराष्ट्र की जीत का तोहफा मिला था, मंत्री बनाया, ऐसी क्या गलती हो गई कि आपको अब मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया? नहीं हुई, कोई ऐसा विषय नहीं हुआ और पार्टी का ये निर्णय है और पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि मुझे हो सकता है कोई और जिम्मेवारी मिले, तो इसलिए मैं सहमत हूँ पार्टी है। इसमें कोई सोचना भी नहीं चाहिए और किसी पर कोई ऐसा सोचने की बात भी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके हम लोग सिपाही हैं, काम करते रहेंगे। आपने अमित शाह के कहने पर जिस ईमानदारी से इस्तीफा दिया है वो तो एक कार्यकर्ता के लिए अच्छा संदेश है, लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी का आपको वायदा किया गया है, आपको कहा गया है कि आपको मंत्री पद से हटा के संगठन में लाया जाएगा? अब ये पार्टी बहुत बड़ी है, अध्यक्ष जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, जो भी उचित लगेगा वो करेंगे। आपका अब आपका मन क्या है, संगठन में काम करने का है या आपने लोकसभा क्षेत्र पर ध्यान देने का है या उन सीटों पर ध्यान देने का है जहां बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई? आपका कहां काम करने का मन? नहीं, मेरा तो संसदीय क्षेत्र है ही है काम करने के लिए और पार्टी इतनी बड़ी है, सबकी भूमिका रहती है और सरकार का भी अनुभव है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी है पॉलिटिक्स के लिए। हमारे सूत्रों ने कहा है कि जल्दी आपको एक बीजेपी शासित राज्य का प्रभार मिलने वाला है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो राजीव प्रताप रूडी को एक्सक्लूसिव आपने एबीपी न्यूज पर सुना, जिन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के कहने पर इस्तीफा दिया है और आगे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो निभाएगी। फिलहाल खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कल ये बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और नजर इस बात पर भी है कि बिहार से किस किस को मंत्री बनाया जा सकता है। क्या है बिहार का गणित, समझा रही मेरी सहयोगी नेहा न्यूज रूम से। अमांद्रा, राजीव प्रताप रूडी को अगर मिला दें तो बिहार से करीब 7 मंत्री बिहार के कोटे से थे। राजीव प्रताप रूडी के इस्तीफे के बाद वो घटकर 6 हो गया है। मंत्रिमंडल में बिहार से कुल 7 मंत्री थे। अगर बिहार के गणित की बात करें मोदी कैबिनेट में, राजीव प्रताप रूडी ने कौशल विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तो इसके बाद अब बिहार से 6 मंत्री हो गए हैं। बिहार में एक चीज और बदली है, नीतीश कुमार ने अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अब बिहार में जेडीयू के साथ बीजेपी की सरकार है तो जाहिर सी बात है जेडीयू के कोटे से इस मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान मंत्री जुड़ेंगे। मंत्रिमंडल में जेडीयू को भी जगह मिलेगी और ऐसे में बीजेपी के कोटे के जो मंत्री हैं उनमें से 1-2 मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जब जेडीयू की एंट्री होगी तो बीजेपी को अपना कोटा घटाना पड़ेगा। बिहार से और कौन से मंत्री बाहर जाएंगे और जेडीयू के कोटे से 1-2 कितने मंत्री बनेंगे इस पर नजर रहेगी। बीजेपी कोटे से 1-2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है यह बताया जा रहा है और वो 1-2 जो जगह खाली होंगी उन पर जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो यह बड़ी जानकारी मोदी मंत्रिमंडल में बिहार का गणित। अब बिहार से कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं और उन पर क्या क्या बोझ है, देखिए रविशंकर प्रसाद ये देश के कानून मंत्री हैं, हालांकि इनकी जो कुर्सी है वो सुरक्षित बनी हुई है। राधा मोहन सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, राधा मोहन सिंह नजर इन पर भी रहेगी। बिहार के कोटे से जो मंत्री हैं उनमें एक नाम रामविलास पासवान का भी है, एलजेपी मुखिया है, एनडीए के साथी है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी इनकी पार्टी है, एनडीए के ये साथी हैं।
बिहार में, और इसके साथ ही गिरिराज सिंह भी केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, इनमें से कौन से मंत्री ऐसे होंगे जिनकी कुर्सी जाएगी? क्या गिरिराज बने रहेंगे या फिर अपनी कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ेगी? रामकृपाल यादव भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। फिलहाल कुल 7 मंत्री बिहार के कोटे से, अब इनमें से राजीव प्रताप रूडी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब और कौन से मंत्री जाएंगे ताकि जेडीयू के कोटे से मंत्रियों को अकोमोडेट किया जा सके? इन मंत्रियों का बोझ क्या कम होगा? देखिए, अरुण जेटली के पास 3-3 मंत्रालय हैं। हाल फिलहाल जब उनसे पूछा भी गया था, उन्होंने कहा था आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो। वित्त, रक्षा और कॉरपोरेट मंत्रालय, ये 3 अहम मंत्रालय इनके पास है। और मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्रालय छोड़ने के बाद उसका प्रभार इन्हें दिया गया। नरेंद्र तोमर के पास भी 1 नहीं 2 नहीं 5 मंत्रालय है। ये सूची पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पेयजल मंत्रालय और गृह निर्माण मंत्रालय की है। ये अहम मंत्रालय, नितिन गडकरी के पास 2 अहम मंत्रालय हैं। अब इनका बोझ कम होगा, सड़क परिवहन, शिपिंग, या फिर कहीं बढ़ तो नहीं जाएगा? देखिए, रेल मंत्रालय को लेकर बड़े कयास लग रहे हैं। अभी अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय को लेकर नितिन गडकरी का नाम आता रहता है। अनंत कुमार के पास भी 2 बेहद अहम मंत्रालय हैं। ये वो मंत्री हैं जिनका बोझ ज्यादा है, और ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है अनंत कुमार पर। रविशंकर प्रसाद के पास भी 2 बेहद खास मंत्रालय हैं, देश का कानून मंत्रालय जो रविशंकर प्रसाद के जिम्मे है, और आईटी मंत्रालय, इसकी जिम्मेदारी भी रविशंकर प्रसाद के पास है। स्मृति ईरानी के पास 2 मंत्रालय हैं, कपड़ा मंत्रालय तो उनके पास था ही, हाल फिलहाल इनको सूचना प्रसारण मंत्रालय का बड़ा जिम्मा भी दिया गया है। ये वो मंत्री हैं जिनके पास बड़े मंत्रालय हैं, क्या इनका बोझ कम होगा? हर्षवर्धन के पास भी 2 मंत्रालय हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये विभाग इनके पास पहले से ही था, इसके साथ ही पर्यावरण का कार्यभार भी उसके साथ जुड़ गया। तो विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण, ये इनके पास मंत्रालय हैं। ये वो मंत्री जिनके पास मंत्रालयों के मामले में बेहद अहम जिम्मेदारी है, बोझ ज्यादा है। देखना यह होगा कि कल शाम संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से नए मंत्रियों को चेहरा बनाया जाता है, उनको जगह मिलती है, और किन मंत्रियों का बोझ कम होता है। अमांद्रा, शुक्रिया नेहा। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनका बोझ कम हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे मंत्रालय हैं जिन्हें एक फुल टाइम मंत्री की दरकार है। इसके अलावा जेडीयू क्योंकि एनडीए का हिस्सा है, इसलिए बिहार के 1-2 मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है ताकि जेडीयू को कैबिनेट में अकोमोडेट किया जा सके। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।